सत्य कहते हैं मित्र वही है जो मित्र के काम आए। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर कूटनीति खेल होती तो यह खेल क्रिकेट से 10 गुना अधिक रोचक होती। लोकप्रियता में तो यह खेल कभी फुटबॉल को भी पराजित कर देता। इस परिप्रेक्ष्य में रूस ने एक शक्तिशाली दांव खेला है जो न केवल भारत समर्थक है अपितु अमेरिका और उसके समर्थकों को एक स्पष्ट संदेश भी देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे रूस ने एक ही दांव से न केवल भारत के साथ अपनी मित्रता प्रगाढ़ की है अपितु पाश्चात्य जगत को भी एक स्पष्ट और कड़क संदेश दिया है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में रूसी मीडिया एजेंसी स्प्यूटनिक ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा प्रारंभ की और फिर यह सामने आया। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? यहां महत्वपूर्ण है कि वर्तमान भारत का अखंड मानचित्र दिखाया गया है, जहां कश्मीर के दोनों हिस्से भारत के ही है, जिन्हें ना तो विवादास्पद रूप से चित्रित किया गया है ना ही उन्हें शत्रु देश के हवाले किया गया है। एक ओर जहां संपूर्ण जगत हमें एक शोषित खंडित राष्ट्र के रूप में दिखाने को आतुर है, वही रूस अपनी मित्रता को कटिबद्ध रखते हुए हमारे अखंडता को अक्षुण्ण मानता है। परंतु आपको क्या प्रतीत होता है, ये केवल यहीं तक सीमित है? आपको स्मरण है उस अमेरिकी राजदूत की POK यात्रा, जहां उस श्वेत मरकट ने हमारे भूमि को आजाद कश्मीर कहने का दुस्साहस किया था? किसी अमेरिकी राजनयिक की पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की यह दूसरी हाई प्रोफाइल यात्रा थी। इस वर्ष की प्रारंभ में अमेरिकी कांग्रेस वुमन इलान उमर ने POK का दौरा किया था। भारत ने तब भी कड़े शब्दों में इसका विरोध किया था, परंतु पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लॉम ने POK की अपनी यात्रा के दौरान POK का उल्लेख AJK यानी आजाद जम्मू कश्मीर के रूप में किया। भारत ने अमेरिकी राजनयिक की यात्रा और POK को आजाद जम्मू कश्मीर के रूप में विवादास्पद संदर्भ पर संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी आपत्तियों से अवगत कराया। भारत ने 1994 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि POK भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे को खाली करना चाहिए। कुछ महीनों पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के POK यात्रा पर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, अमेरिकी दूत के POK में यात्रा और बैठकों पर हमारी आपत्तियों से अमेरिकी पक्ष को अवगत करा दिया गया है। बागची ने आगे यह भी कहा, भारत तथा कथित CPEC में परियोजनाओं की दृढ़ता से और लगातार विरोध करता है जो भारतीय क्षेत्र में है और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है, ऐसी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार है, भारत द्वारा उनके अनुसार व्यवहार किया जाएगा। ऐसे में रूस का वर्तमान निर्णय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस समय अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष अपनी सनक में समूचे विश्व को उनके देश के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए उकसा रहे हैं, ऐसे में पुतिन सुनिश्चित कर रहे हैं कि अपने देश को युद्ध के प्रकोप से बचाए और वे भारत के निष्पक्ष प्रयासों की प्रशंसा करने से कभी पीछे नहीं हटे। नवीन POK का यह मामला रूस और भारत की गहरी मित्रता को भी दर्शाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ समय पूर्व पश्चिमी देशों और विशेष रूप से अमेरिका पर जोरदार हमला बोला था। पुतिन ने इस दौरान भारत का भी उल्लेख किया, जहां उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने भारत को खूब लूटा है और अब वो रूस के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस के पहले के नेताओं ने अमेरिका के बहकावे में आकर अपने सामरिक शक्ति को कम किया, जबकि दूसरे देशों के हथियारों के जखीरे वैसे ही बनाए रखे। इतना ही नहीं, पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। पश्चिमी देशों ने भारत जैसे देशों को लूटा है, रूस ने स्वयं को कॉलोनी नहीं बनने दिया। सोवियत संघ को फिर से बनाने के आरोपों पर पुतिन ने कहा कि रूस सोवियत संघ को फिर से बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है, USSR अब नहीं है। वही भारत ने भी रूस के इस अद्वितीय सम्मान का भरपूर सत्कार किया है। कुछ समय पूर्व ही भारत के विदेश मंत्री
सुब्रमण्यम जयशंकर ने पाश्चात्य जगत को धोते हुए स्मरण कराया कि रूस से उनकी निकटता विकल्प नहीं विवशता थी, जिसके लिए पाश्चात्य जगत ही दोषी है। पश्चिमी देशों की जो दूसरे देशों को नीचा दिखाने की नीति है, उसका परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्हें लगा था कि यदि वे भारत की मदद नहीं करेंगे तो भारत कभी आर्थिक और रक्षा के क्षेत्रों में विस्तार ही नहीं कर सकेगा। इसके विपरीत भारत ने प्रत्येक मोर्चे पर अपना विराट स्वरूप अपनाया है और स्थितियां ऐसी है कि भारत जहां आर्थिक क्षेत्र में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी महाशक्ति है, तो वही रक्षा क्षेत्र में भारत के हथियार विदेशों द्वारा भी खरीदे जा रहे हैं। पश्चिमी देशों की दिक्कत यह है कि रूस से भारत इतने हथियार क्यों खरीद रहा है। इसी समय ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने यह भी कहा था कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से संबंध है, जिसने निश्चित तौर पर भारत के हितों को साधा है। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमारे पास सोवियत और रूस निर्मित हथियार काफी अधिक हैं। इसके कई कारण हैं। आपको भी हथियार प्रणालियों के नफा नुकसान पता है, और इसलिए भी क्योंकि कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की, बल्कि हमारे सामने एक सैन्य तानाशाह को अपना पसंदीदा साझेदार अब बनाया। इससे पूर्व में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में अपने एक बयान में अमेरिका को ही लताड़ लगा दी थी। एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की मजबूती पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इस्लामाबाद के वॉशिंगटन के संबंध अमेरिका के हितों की पूर्ति नहीं करते हैं। जयशंकर ने कहा था कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे ना पाकिस्तान को लाभ हुआ और ना ही अमेरिका को कुछ फायदा हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ हफ्तों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रखरखाव के लिए $45 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। अमेरिका के निर्णय पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के समक्ष चिंता जाहिर किए थे। अब बात भी गलत नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो 1971 के युद्ध में जब भारत को अमेरिका की मदद चाहिए थी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद देना शुरू कर अपने जंगी जहाज उतारने का निर्णय किया था। वहीं इस मामले में रूस तुरंत कूदा और यह निर्णय किया कि वो भी भारत की मदद के लिए अपने युद्ध पोत भारतीय समुद्री क्षेत्र में भेजेगा। स्पष्ट है कि अमेरिका के साथ उस समय पश्चिम देशों ने भी भारत का विरोध किया था। ऐसे समय में भारत के लिए हथियारों की पूर्ति केवल रूस द्वारा ही हो सकती थी। इसके चलते मिग जहाज से लेकर टैंक और युद्ध पोत सभी प्रकार की तकनीक में रूसी छाप मौजूद है। दूसरी ओर यदि पाकिस्तान को देखें तो उसे हमेशा भारत के विरोध में अमेरिका का साथ मिला है। एक अनुमान के अनुसार साल 1948 से 2013 के बीच में अमेरिका ने पाकिस्तान को $30 अरब की सहायता दी थी। इनमें से आधी सहायता तो पाकिस्तानी सेना के लिए ही थी। अमेरिका सोवियत संघ के विरुद्ध पाकिस्तान को अपना घनिष्ठ सहयोगी मानता था। वहीं पाकिस्तान अमेरिका को भारत के विरुद्ध काउंटर बैलेंस के रूप में देखता था। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटन टैंक दिए, जिसका इस्तेमाल उसने भारत के विरुद्ध 1965 के युद्ध में किया था। भारत के वीर जवानों ने इन अमेरिकी टैंकों को ध्वस्त कर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को तगड़ी चोट दी थी। ऐसे में पीओके समेत अनेक मोर्चों पर भारत के पक्ष में इस तरह से सीना तानकर रूस के विरुद्ध दांव चलना न केवल रणनीतिक है, अपितु सांस्कृतिक और कूटनीतिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक ही तीर से अनेक लक्ष्य भेदे जाएंगे। बस पीड़ा केवल व्हाइट हाउस को होगी और बिलबिलाहट होगी इस्लामाबाद को।